सो चलिए गाइस, रसायन के अध्ययन में हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर थर्ड के बारे में। अभी तक हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड के बारे में जान पाए थे, अब हम लोग लेक्चर नंबर थर्ड के बारे में, जिसमें बताया जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, किसे कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या? कहते हैं किसी यौगिक के अणु में आयनों पर स्थित आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। किसी यौगिक के अणु में आयनों पर, जैसे यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, यदि इसे आयनित करें सोडियम आयन क्लोराइड आयन में टूट जाएगा, तो सोडियम पर +1 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर +1 निगेटिव चार्ज, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -1, राइट। तो किसी यौगिक के अणु में आयनों पर स्थित आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। सोडियम आयन की ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ रही +1, क्लोराइड आयन की ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ रही -1। तो चलिए हम लोग जरा समझते हैं किसी भी एलिमेंट अर्थात मॉलिक्यूल की ऑक्सीकरण संख्या को समझते कैसे हैं। यहां पर दिखाया गया है ए बॉन्डेड है बी से, यानी कि सपोज मान लीजिए ए को हम कोई एटम से मान लीजिए और बी को भी कोई एटम से मान लीजिए, इन्हें बॉन्ड बनाकर जोड़ दिए। ए बॉन्डेड है बी से, यदि ए बॉन्डेड है बी से तो यहां पर इसे तीन तरीके दिखाया गया है। यहां पर पहले तरीके जो डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, मतलब ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बी के क्या इक्वल है, जो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही बी का है, यानी कि ए और बी के मध्य जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों की ओर सेम अट्रैक्शन बल से क्या होंगे, खींचेंगे। जितना अट्रैक्शन बल ए लगाएगा उतना अट्रैक्शन बल बी भी लगाएगा, क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू है बी के। तो जाहिर सी बात है इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं होगा, इस पर भी क्या होगा, शून्य होगा, इस पर भी क्या होगा, शून्य होगा, राइट। अब चलिए जरा इसके बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इसका मतलब है जो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिक है किससे, ए के। जो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिक है ए से, इसका मतलब है जो ए और बी के मध्य साझे के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ज्यादा खींचेगा बी अपनी की ओर, अपनी ओर खींचेगा बी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ए से अधिक है। उस दृष्टिया में क्या होगा, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा 8 होगा और ए का सपोज मान लीजिए 5 होगा, तो यहां पर इसके नाभिक में तो 8 प्रोटॉन है, इसके नाभिक में 5 प्रोटॉन है, कौन इलेक्ट्रॉन अधिक अपनी ओर खींच, कौन प्रोटॉन, कौन एटम्स इलेक्ट्रॉन अधिक अपनी ओर खींचेगा, बी वाला, क्योंकि यहां पर इसका एटॉमिक नंबर क्या है, अधिक है। जरा इसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये गैस फॉर्म में भी होता है, एसिड यानी लिक्विड फॉर्म में भी होता है। यहां पर जब ये बॉन्डेड स्टेट में होते हैं तो ये कुछ इस प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड Cl, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन है, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन है ज्यादा से ज्यादा आकर्षण पर लगा सकता है, तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज जाएगा। ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं किसकी ओर ज्यादा खींचे होंगे, क्लोरिन की ओर, अभी तो बिल्कुल मध्य में इलेक्ट्रॉन थे, अभी इलेक्ट्रॉन खींच कर चले गए किसकी ओर, क्लोरिन की ओर, और यही कारण है इस पर पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, राइट। यहां पर दिखाया गया है जैसे सेम हो तो इसके लिए क्या होगा, जैसे H2 हो, Cl2 हो, Br2 हो, सेम एटम्स है, सेम एटॉमिक नंबर है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। और यहां पर थर्ड पॉइंट दिखाया गया है, इसे हम लोग समझ सकते हैं इसके द्वारा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निर्भर करता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणुओं के मध्य उन्हें जो खींचने की एक पावर होती है परमाणुओं के अंदर,
उसी कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। सो चलिए गाइस, कुछ ऑक्सीकरण संख्याओं के रूल के बारे में जानते हैं, नियम के बारे में जानते हैं। नाउ दिस इज फर्स्ट पॉइंट, कहते हैं एलिमेंट्री स्टेट जैसे Cr2, Br2, I2, P4 या सेट की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो शून्य होती है। जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो क्या होती है? शून्य होती है। एलिमेंट्री स्टेट में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, जीरो होती है। ब्लॉक की बात करें, यस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ए सेकेंड ए। फर्स्ट ए में उपस्थित तत्व होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन भी होता है लेकिन यहां पर हम केवल मेटल्स लिए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, राइट। इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है, वो +1 होती है। क्या होती है? +1। और ये बॉन्डेड स्टेट में, यानी इन बॉन्डेड स्टेट, इन बॉन्डेड स्टेट, बॉन्डेड स्टेट में इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +1 होगी। जैसे सोडियम बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम आयन बनाता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये क्या है? एलिमेंट्री स्टेट में। और ये क्या है? बॉन्डेड स्टेट में। तो बॉन्डेड स्टेट में, बॉन्डेड स्टेट में जब ये किसी से बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। बॉन्डेड स्टेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 आती है और एलिमेंट्री स्टेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। चलिए सेकंड ग्रुप में उपस्थित जरा मेटल्स के बारे में जानते हैं, क्या होती है इनकी ऑक्सीकरण संख्या? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, राइट। बहुत सिंपल ट्रिक है यस ब्लॉक में उपस्थित तत्वों को ज्ञात करने के लिए। हलीना, ह हाइड्रोजन, लीना ने की रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद, क्या फरियाद की? बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। वैसे भी आजकल स्कूटर छोटी मोटी चीज है, पिता वैसे भी बेटे को स्कूटर दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। स्कूटर की अब तो समय बदल रहा है, स्कूटर के स्थान कुछ और आ रहा है, आप लोग जानते होंगे, समझ गए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो +2 होती है। और ये बॉन्डेड स्टेट में होगा, इन बॉन्डेड स्टेट, इन बॉन्डेड स्टेट, क्योंकि अभी आपको बताया गया एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, बॉन्डेड स्टेट है तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +2। जैसे मैग्नीशियम है, अगर ये बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अष्टक की संख्या प्राप्त करने के लिए, तो Mg++ बनाएगा। ये एलिमेंट्री स्टेट में है और ये किसमें है? बॉन्डेड स्टेट में, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +2, राइट। तो ये हम लोग जान पाया अभी यस ब्लॉक में उपस्थित तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। चलिए आगे, सेकेंड पॉइंट में जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 भी होती है और -1 भी होती है। प्रश्न ये उठता है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 कब होती है, -1 कब होती है? नॉन मेटल्स, जब कोई हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ क्या होता है, ऐड होता है, तो वहां पर इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 होती है। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यस सीएल हो सकता है, H2O हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आएगा? +1। मेटल्स की फॉर्म में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होगी? -1 होगी, राइट। जैसे NaH, सोडियम हाइड्राइड, MgH2, यहां पर मेटल्स फॉर्म में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी -1 निकल के आएगी। चलो जरा हम लोग इसे चेक भी कर लेते हैं, क्या -1 निकल के आ रही है?
सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन रखते हैं, प्लस हाइड्रोजन का निकालना है, यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या शून्य के बराबर होती है, x इक्वल्स टू माइनस वन, राइट। ये देखिए माइनस वन निकल के आ रहा है। तो चलिए गाइस, नाउ दिस इज पॉइंट नंबर थ्री में देखते हैं हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो माइनस टू टू प्लस टू, माइनस टू से प्लस टू तक, के एम एन ओ फोर, एस टू एस ओ फोर, एस टू ओ में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी, माइनस टू, यस माइनस टू होगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। हैलोजन परिवार के तत्व यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जो ऑक्सीकरण संख्या निकल के आती है वो माइनस वन। हैलोजन परिवार में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, माइनस वन होती है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल उदासीन अणु जैसे NH3, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी, जैसे जैसे हम लिखते जाएं आप नोट डाउन करते जाइएगा, NH3CO की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो जीरो होती है। अब जैसे मूलक है साइनाइड आयन, मूलकों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, माइनस वन होती है, ज्यादातर मूलक की ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन ही निकाला गया है। सो गाइस, आज के अध्ययन में हम लोग देख पाए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, इसके कुछ रूल्स के बारे में बताया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में हम लोग जान पाएंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, आज रूल, कल अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। थैंक यू।